और एमपी को नया प्रशासनिक मुखिया मिलने जा रहा है। आईएएस वीरा राणा संभालेंगे अब मुख्य सचिव का प्रभार। इकबाल सिंह बेस्ट की जगह अब वीरा राणा रहेंगे। 1988 बैच की आईएएस है वीरा राणा। दो बार एक्सटेंशन के बाद इकबाल सिंह बेस्ट आज रिटायर होने जा रहे हैं। वीरा राणा वरिष्ठता के आधार पर प्रदेश की दूसरी महिला सीएस बनेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब वीरा राणा अब प्रभार संभालने वाली हैं, इकबाल सिंह बैस को अब विदाई का वक्त आ गया है। जी देखिए, बिल्कुल आज इकबाल सिंह बैस रिटायर हो जाएंगे। इकबाल सिंह बैस के करीब चार साल इस पद को संभाला और उसके बाद से ये अटकलें थी कि अब कौन इनकी जगह नया चार्ज लेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे भी आना है। तो एक असमंजस की स्थिति थी कि राज्य शासन क्या फैसला लेता है, क्योंकि चुनाव परिणाम नजदीक है आना है। तो लेकिन कल रात देर रात आदेश जारी हुआ और जो सबसे सीनियर मोस्ट अफसर है, जो 1988 बैच की वीरा राणा, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अभी उन्हें प्रभार दिया गया है क्योंकि सरकार सीधे फैसला ये नहीं ले सकती थी कि स्थायी सीएस दे सके, तो इस कारण उन्हें अभी प्रभार दिया गया। और वो अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष बतौर कार्यरत थी। वो 1964 में उनका जन्म हुआ और वो करीब उत्तर प्रदेश की मूलतः रहने वाली है और लंबे समय से उनके प्रशासनिक अनुभव माना जाता है। और निर्मला बूच इसके पहले महिला सीएस रही हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का रहा था। और अब 30 साल बाद मध्य प्रदेश को दूसरी मुख्य सचिव मिल रही है जो कि महिला है। और सबसे बड़ी बात है कि वीरा राणा की जो छवि है वो साफ सुथरी मानी जाती है और एक दबंग अफसर रही हैं। और दबंग अफसर रही हैं, पर यहाँ पर शैलेंद्र और भी कई दिग्गजों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे थे। जैसे हम अगर बात करें अनुराग जैन की या अजय तिर्की की, आखिर सीएस की रेस में जो इन नामों को आगे बढ़ाया जा रहा था, उन्हें एकदम से पीछे कर रहा और ये नाम आ गया ना। देखिए, अनुराग जैन जो है वो दिल्ली में पदस्थ हैं प्रतिनियुक्ति पर और वो केंद्र में अभी एक अहम भूमिका में है वहां पर। तो अनुराग जैन को लाने को लेकर पिछले समय भी कवायद चली थी मध्यप्रदेश सरकार की, लेकिन तब भी उन्हें दिल्ली से यहाँ नहीं भेजा गया। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अनुराग जैन पीएमओ की गुड लिस्ट में है और वो वहां दिल्ली में एक अच्छा काम करे, तो उन्हें यहाँ पर लाकर सीएस बनाना केंद्र की भी सहमति नहीं थी, इस कारण अनुराग जैन इस दौड़ से बाहर हो गए। लेकिन जो संजय बंदोपाध्याय हो, अजय तिर्की हो, ये सब के मुकाबले वीरा राणा सीनियर है। तो सरकार इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी ये बात उठे कि किसी जूनियर को चार्ज दे दिया गया। और क्योंकि वीरा राणा भी लगातार मुखर रहती और उन्होंने बीच में अपनी नाराजगी भी जताई थी, क्योंकि जब सीएस का एक्सटेंशन 2 बार बड़ा था तो थोड़ा सा नाखुश भी थी और वो लगातार मंत्रालय में भी नहीं देखी गई। करीब पिछले 6 महीने से उन्होंने मंत्रालय में कदम भी नहीं रखा था। तो वीरा राणा का भी जो काम करने की शैली है, तो सरकार ये चाहती थी कि अब चुनाव नतीजे आना है तो किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो और सबसे सीनियर को जिम्मेदारी दे दी जाए, विवाद भी ना हो। और इकबाल सिंह बैस के बाद सबसे सीनियर अधिकारी भी हैं वाकई, और बड़ी अब जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। बड़ी जिम्मेदारी राणा को अब मिलने जा रही है। एमपी को अब नया प्रशासनिक मुखिया मिलने जा रहा है। आईएएस वीरा राणा अब मुख्य सचिव का प्रभार संभालेंगी। इकबाल सिंह बैस की जगह अब वीरा राणा रहेंगी। 1988 बैच की आईएएस हैं वीरा राणा, सबसे सीनियर हैं और अब प्रभार उन्हें मिलने जा रहा है, खास जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। तो प्रदेश की दूसरी महिला सीएस बनेंगी वीरा राणा और आज इकबाल सिंह बैस की विदाई है, उसके बाद प्रभार को संभालेंगी, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।